बस बस ठीक है। कलम कहाँ है बाबू? वहीं है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी लोग जुड़ जाएं। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं आपके क्वेश्चन बैंक्स के। जैसे कि 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्न को हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए क्लीन दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थी को? सभी क्लीन चल रहा है ना? चलो क्लीन चल रहा है। चैट का ऑप्शन हमने बंद रखा है क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई कम कर रहे हैं और बातें ज्यादा है ना। तो फटाफट आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दे और लाइक का बटन दबा दे और बिना विलंब किए बिना देर किए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, कंसेप्ट को अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए बिना देर किए। चलो ध्यान दो, फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाए ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। आज के क्लास में पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक के प्रश्न को लेंगे, कवर करेंगे, है ना। सभी विद्यार्थी को साफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल एकदम क्लीन, नेट एंड क्लीन, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। फटाफट आप लोग इस लिंक को फटाफट शेयर कर दें ताकि आपके सभी विद्यार्थी दोस्त लोग जुड़ जाएं, है ना। फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। लिंक को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से फटाफट शेयर करें। चलिए जुड़ने वाले विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। अभी तक जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए हैं उनके पास आप इस लिंक को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं
और हाँ, जो लोग अभी लाइक का बटन नहीं दबाए फटाफट सेशन को लाइक करें, है ना। फिर रिड्यूस हो गया, बुलाइए, रिड्यूस हो गया। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2000, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2021 से स्टार्ट करेंगे और 2021 से लेकर के 2010 तक हम आएंगे, मतलब उल्टा चलेंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन इज ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है किस प्रकार का क्रिस्टल है, है ना। तो जो ग्रेफाइट होता है वह कार्बन कार्बन ग्रेफाइट और नॉन मेटल नॉन मेटल, दैट मींस यहां पर ये जो होता है कोवैलेंट होता है, है ना। क्या होता है भाई, कोवैलेंट होता है, ठीक है ना, सहसंयोजक होता है। तो ये फर्स्ट प्रश्न का है आंसर। 2021 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 21 करेंगे, फिर 20 करेंगे, 19 करेंगे, 17 करेंगे, ऐसे मतलब 2010 तक हम चलेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद बता सकते हो कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बुक 20 सीसी में आपको पता है एटम की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एफ सीसी में आपको पता है भाई साहब 4 होती है, और एस सीसी में सिंपल क्यूबिक में 1 होती है। तो आप बताइए, हमसे पूछा जा रहा है 20 सीसी के लिए और इस प्रश्न को बहुत बार हम लोग किए हैं, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ए हम लोग का यहां पर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये ध्यान देंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं और एक बार फिर से ये प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब बिलियन के असंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन है। तो हम लोग को पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है क्या क्या होता है, है ना, जैसे प्रसरण ताप होता है, ठीक है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, हिमांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, मतलब डेल्टा टीवी होता है, डेल्टा टीएफ होता है, परासरण दाब होता है, आरएलवीपी होता है। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ये हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब और आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये 4 जो होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं बिलियन के लिए। तो आप बताओ ये डेंसिटी होगा नहीं, मास होगा नहीं, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि डेल्टा टीवी होगा, सत्य, मतलब बी सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, देखिए नंबरिंग गड़बड़ है बट 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे और ये चीज हम लोग सीखे भी हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि होता है हिमांक में अवनमन अधिकतम पूछा जा रहा है। तो जब भी हम लोग से हिमांक में अवनमन पूछे, जब भी हमसे क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पूछे, जब भी हमसे डेल्टा टीबी क्वथनांक में उनियन पूछे, इसको इस क्वेश्चन को हम लोग एन के मान से बनाते हैं। एन के मान आप समझ रहे हैं, एन कैसे निकालते थे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में, ये जैसे K2SO4 है तो आप देखिए यहां पर पोटेशियम 2 है और सल्फेट कितना है 1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितने आयन मिलेंगे, मतलब कि एन मिलेंगे, 3 मिलेंगे, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्त, 3 मिलेगा, 2 1 3। NaCl में सोडियम 1 है और क्लोरीन 1 है, तो यहाँ N1 1 2 मिलेगा। और ये चीज आपको बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए N1 होता है,
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए एन एक होता है, और हमेशा ध्यान रहे एन का मान जिसका ज्यादा होता है उसका डेल्टा टीवी हो, डेल्टा टीएफ हो, टीवी हो, ये एन के मान बढ़ेंगे तो ये तीनों बढ़ते हैं, बट टीएफ घटता है। हमेशा ये एन के मान पर ही निर्भर करते हैं, जिसका एन ज्यादा उसका क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा, हिमांक में अनमन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम, तो जिसका एन ज्यादा उसका ये तीनों बढ़ेगा। हमसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त हिमांक में अनमन अधिकतम पूछा जा रहा है, और हिमांक में अनमन तो ये होता है डेल्टा टीएफ, दैट मीन एन मैक्सिमम देखो किसका ज्यादा है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट सभी विद्यार्थी समझ रहे हैं, बिल्कुल तीन दिख रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलिए मार्कर का कलर बिल्कुल चेंज करेंगे हम, ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चार हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर पांच। चलिए सर जी का ये क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन बैंक का है। क्वेश्चन नंबर पांच क्या है ध्यान देंगे, एकदम सेशन को आराम से ले चलते हैं हम, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। कह रहा है कि द सब्सटेंस डिपोजिट एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ध्यान दीजिएगा यहां पर मोल्टेन NaCl है, और क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर मोल्टेन या फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस हो तो कैथोड पर धातु जमा होता है, डिपोजिट होता है, और एनोड पर जो एनायन होते हैं वो जमा होते हैं। अब एनायन कौन कौन से होते हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर NaCl है तो जाहिर सी बात है कि NaCl टूटेगा Na plus Cl minus, बट हमसे पूछा जा रहा है कैथोड पर, और कैथोड C माने कैथोड और C माने केटायन, मतलब केटायन माने धातु, कैथोड पर जमा होगा। और मोल्टेन कह रहा है, मोल्टेन मतलब द्रवित या पिघली हुई अवस्था या गलित अवस्था, तीनों बात एक ही होता है, और इस परिस्थिति में जो दिखता है वही जमा होता है, दैट मींस हम लोग का जो कैथोड पर जमा होगा वह सोडियम होगा। मोल्टेन है ध्यान रहे, गलित रहे पिघली हुई अवस्था रहे, गलित रहे या पिघली हुई अवस्था रहे या द्रवित रहे, तीनों बात सेम होते हैं, मोल्टेन फ्यूज सब सेम होता है, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, अगला प्रश्न है भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स जरा फोकस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज इतना वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये हमें पता करने हैं। आप जरा ध्यान देंगे इस प्रश्न पर कि आपको यहां पर मानक ऑक्सीकरण विभव दिया है, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ध्यान रहे दोस्त स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, और हमसे पूछा जा रहा है इसका मानक अवकरण विभव मतलब SRP पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर SOP पॉजिटिव होगा ना तो SRP निगेटिव होता है, दैट मीन्स यही वैल्यू होंगे, किसमें होंगे निगेटिव में होंगे। देखो कितना आसान है, इसमें कुछ दम है ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रश्न है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, आपका जो बी होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो SOP होता है और SRP होता है ये एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले होते हैं, अगर ये प्लस है तो ये हमेशा क्या होंगे माइनस में होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर सात।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त, ध्यान देना यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के प्रतिलोपन, मतलब प्रतिलोपन मतलब इन्वर्जन, सुगर का इन्वर्जन हो रहा है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। यहां पर ये सुक्रोज है मतलब सुगर है, चीनी है, और इसका जल अपघटन कराया जा रहा है एसिडिक मीडियम में, तो बाबू ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन रहे हैं। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, आपको हम लोग एग्जाम्पल भी लिए हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन तो खुद आपको करना पड़ेगा दोस्त। कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया गया है, मतलब यहाँ रेट लॉ इक्वेशन वेग दिया हुआ है ना, इस अभिक्रिया कोटि क्या होगी, तो देखो ए के कंसंट्रेशन पावर 2 है और बी के पावर 1 है, मतलब अभिक्रिया की जो कोटि होगी दोनों को जोड़ देंगे क्या आएगा, 3 आएगा। ये तो आपको करना पड़ेगा, ये बेसिक प्रश्न है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम शिफ्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को सरफेस केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग ये चीज पढ़े हुए हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन कहलाता है, डी इज द करेक्ट आंसर, विद्युत कण संचलन कहलाता है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग किए हैं, इसमें ज्यादा वक्त नहीं देंगे, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है सेकेंडरी सेल होता है, और सेकेंडरी सेल में आपको पता है कि निरावेशन डिस्चार्ज के बाद उसको हम लोग आसानी से आवेशन कर सकते हैं, मतलब चार्ज कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी होता है। अगले तरफ शिफ्ट होंगे हम, आ जाइए, आ जाएंगे हम लोग, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, बोलिए क्या होती है, अधिशोषण में क्या होता है, जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, ये बात हम लोग जानते हैं कि कोई ये सरफेस सतह है और इस पर बाहरी मॉलिक्यूल आकर के क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, मतलब ये सरफेस फिनोमिना होता है, अधिशोषण एक क्या है, सरफेस फिनोमिना है, बी इज द करेक्ट आंसर, पृष्ठीय घटना है। अगले प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल दोष है, निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट पता करना है हमको, फ्रेंकल डिफेक्ट, हमने आपको बताया था एक चीज की जो AGBR है ना ऐसे घेर दिए थे और बोले थे कि इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है और शॉटकी डिफेक्ट भी होता है, तो सोडियम क्लोराइड ग्रेफाइट डायमंड और सिल्वर ब्रोमाइड है, दैट मींस डी इज करेक्ट आंसर, AGBR हम घेरे रखे हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे, ये भी सॉलिड एसिड का क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से वही एन के मान पर क्वेश्चन आए हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, वही क्वेश्चन जो है पिछले हम लोग कुछ पहले किए थे शुरुआत में ही, तो वह था हिमांक में ओनमन एन से ही निकाले थे, और यहां पर वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक पूछा जा रहा है, टीवी पूछा जा रहा है, अभी आपको बताया है टीवी का है, डेल्टा टीएफ का है, डेल्टा टीवी का है, बाबू ये सब बढ़ता है कब, जब एन बढ़ेगा तब, लेकिन टीएफ घटता है, टीएफ घटता है, एक बार फिर से हम लोग एन निकालेंगे, तो इसका एन क्या होगा, 2 होगा, इसका एन क्या है, ऑर्गेनिक है सर 1 होगा, इसका एन क्या है, देखो 1 है बेरिलियम और 2 है कोलीन, मतलब
इसका तीन होगा और ये एक बार फिर से ऑर्गेनिक है, इसका एन क्या होगा, एक होगा। मतलब आंसर क्या होगा सर, सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका एन क्या है, मैक्सिमम है, है ना। मतलब सर एन के मान, जब भी इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना तो एन ही चेक करना है और एन चेक करके डिसाइड हम लोग करेंगे। हमेशा ध्यान रहे, एन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हिमांक में ऑनन बढ़ेगा, कोंतनांक में ओनियन भी बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए 14। ये क्वेश्चन तो भाई तू कर लेगा, अरे आपको क्लासेज में ट्रिक बताए गए हैं, ध्यान देंगे। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद मतलब होता है कैथोड, ऋणोद मतलब एनोड पर प्राप्त प्रतिफल क्या है। भाई साहब यहां सोडियम क्लोराइड है लेकिन जलीय घोल है, मतलब एक्वस NaCl है और आपको क्लासेज में ट्रिक बताए गए हैं कैथोड के लिए, एनोड के लिए, और ये बताया गया है कि चप्पा है तो चप्पा होगा कैथोड पर, चप्पा है तो चप्पा होगा, वरना चप्पा नहीं होगा तो H2 होगा, मतलब हाइड्रोजन को ही हम चप्पा मानेंगे। तो क्या ये चप्पा है, नहीं है, मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होगा क्योंकि एक्वस है। एनोड पर क्या होगा, देखो मोनो एनायनिक है, अब मोनो एनायनिक है तो भाई साहब ये खुद मुक्त होते हैं, मतलब क्या होगा, ठीक है Cl2 होगा, खुद ये मुक्त होगा Cl2, है ना। लेकिन इसमें कहीं Cl2 नहीं है, F2 है। That means, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पर सोडियम क्लोराइड नहीं होकर यहां सोडियम फ्लोराइड कर लेने हैं तुम्हें, यहां फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, ऑप्शन के हिसाब से क्लोराइड नहीं है, यहां भाई साहब फ्लोराइड है, यहां फ्लोराइड है, फ्लोराइड नहीं है फ्लोराइड है, फ्लोराइड है यहां, मतलब NaCl नहीं बल्कि NaF। अब NaF है तो बाबू एनोड पर H2 और कैथोड पर H2 और एनोड पर F2 नहीं O2, तो H2 और O2 हम लोग देखने हैं, H2 और O2 कहां है, H2 और O2 दैट मींस O2 H2 कहां है, D इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो आपका आंसर होगा D होगा, है ना, D इज द करेक्ट आंसर, क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों, D इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं, ट्रिक से, ये ट्रिक से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, कोई हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ आपको ट्रिक लॉजिक बता दिए कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम शिफ्ट होंगे, हमेशा ध्यान रहे ये क्वेश्चन नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा ठीक है देखते हैं। ये यहां पर भाई मेरे सोडियम क्लोराइड नहीं बल्कि फ्लोराइड होगा, यहां फ्लोराइड बना लेने हैं और एक्वस NaF है तो कैथोड पर भाई H2 होगा और एनोड पर क्या होगा O2 होगा, है ना, दैट मीन्स O2 और H2 D इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए, देखो भाई कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गिव्स 2H2O ओवर वाटर। यहां पर हमें अभिक्रिया की कोटि बताने हैं, हमें अभिक्रिया कोटि बताने हैं, जल में H2Cl2 का ये रिएक्शन है तो अभिक्रिया कोटि क्या है, तो जितना जल अपघटन वाले रिएक्शन होते हैं आपको पता है कि क्या होता है भाई, फर्स्ट ऑर्डर होता है, है ना। तो ये क्वेश्चन तो फेयर एग्जांपल हम लोग किए हैं, लॉजिक भी पढ़े हुए हैं,
अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। भाई अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, अगला दे रहा है टेम्परेचर बिल्कुल इस पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर दीजिएगा तो इसकी अधिशोषण का जो दर है मात्रा है इस पर निर्भर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर टेम्परेचर देते हैं सरफेस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इस पर डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ द गैसेज, बिल्कुल प्रेस करिएगा तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। अगला नेचर ऑफ द गैस, गैस के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, जिसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होता है, जिस गैस का लिक्विफिकेशन ज्यादा होता है उसके अधिशोषण का दर भी क्या होता है ज्यादा होता है, जैसे कि NH3 है उसके लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ज्यादा है तो अधिशोषण की दर क्या होगी ज्यादा होगी। दैट मींस नेचर ऑफ गैस पर भी ये डिपेंड करते हैं। और नीचे दिया है ऑन ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी पर होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ध्यान देंगे, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या काम है। भाई उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है चाहे क्या करता है घटा देता है। उत्प्रेरक क्या है, यहां पर अभिक्रिया वेग कम करता है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया वेग कम करता है, अभिक्रिया वेग बढ़ाता है। कह रहा है कि बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल अभिक्रिया बाबू। उत्प्रेरक क्या होता है, वैसे रासायनिक पदार्थ होता है जो केमिकल रिएक्शन में उपस्थित होने के बावजूद भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। मतलब आपका सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो भाई केमिकल काइनेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है हमको। कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है। बाबू फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है 0.693 बाई के होता है, लेकिन यही ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। पर फर्स्ट ऑर्डर अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो जो ये टी हाफ होता है एनट बाई होता है ना, एनट बाई के होता है, टू के होता है, तो आप बताओ क्या होगा यहां पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर 0.693 बाई के फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या होता है भाई रासायनिक अधिशोषण में बाहरी मॉलिक्यूल, अधिशोषण की प्रक्रिया में बाहरी मॉलिक्यूल आके इकट्ठा होता है। अगर धूलकण आके इकट्ठा हो जाए तो इसको हम लोग चाहे ना फूक के इसको बाहर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मतलब जो ये हुआ भौतिक अधिशोषण, तो भौतिक अधिशोषण में हम लोग मॉलिक्यूल आके इकट्ठा होंगे और चाहे तो ये उड़ भी सकते हैं, हट भी सकते हैं वहां से, मतलब ये रिवर्सिबल होता है। लेकिन केमिकल है, जैसे मान लीजिए ये बेंच है तुम्हारा, इसको पेंट कर दिया गया, क्या इसको दोबारा हटा सकते हैं, नहीं हट सकता। तो रासायनिक अधिशोषण है, एक बार होने के बाद फिर दोबारा हम चाहे तो उसको रिवर्स कर ले तो संभव नहीं है। दैट मीन्स ये रिवर्सिबल तो होता नहीं है, क्योंकि यहां पर रासायनिक की बात कही जा रही है, ये बहु इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, एक बार होने के बाद फिर दोबारा ये नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, जैसे दीवार का पेंट कर दिया गया तो ये एक रासायनिक अधिशोषण है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन इस दीवार पर धूलकण आके इकट्ठा हो रहे हैं तो ये भौतिक अधिशोषण की घटना है और भौतिक अधिशोषण रिवर्सिबल है, हट सकता और सट सकता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, हाँ देखिए तो ये सोल्यूशन चैप्टर का है, सोल्यूशन चैप्टर लास्ट में हम लोग पढ़े हुए हैं ये चीज। कह रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि हम लोग को पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यहाँ पर
एक एटीएम होता है, और जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं पहाड़ पर, मान लो ऊपर जाएंगे ना, तो बाबू प्रेशर घटता है, लो होता है, और लो होगा तो भाई जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, घटेगा, दैट मीन्स वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है भाई, कम होता है। मतलब ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। वहां दाब कम होता है, ये नहीं भाई वहां दाब ज्यादा होता है, बिल्कुल नहीं, वहां हवा ज्यादा होता है, नहीं। क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर बाबू, वहां दाब जो है वायुमंडलीय दाब हम लोग का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? शुगर सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में भाई पाया जाता है, ये नहीं होगा। सस्पेंशन सॉल्यूशन में भी टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, इमल्शन में पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। मतलब ए और सी भाई, ये तो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, इसमें दोनों ऑप्शन सही दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है कि शुगर सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, और शुगर सॉल्यूशन जो है इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है, और सस्पेंशन जो है ये भी भाई इसमें भी टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अगर पाया जाता भी होगा, पाया जाता भी है तो बहुत कम, दैट मीन्स ओवरऑल अगर टिक करें तो ए होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। ये भी सत्य है, इसके जगह पर कोई दूसरा देना चाहिए भाई, है ना, ये भी है, ठीक है ना, ये भी बहुत टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेंगे, है ना, तो ध्यान रहे ए होगा और सी भी होगा, बट हम लोग दोनों में अगर ओनली वन करेक्ट है तो इसको प्रिफरेंस देंगे, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, एक बार फिर से कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है भाई, डायमंड, ग्लास नहीं है, रबड़ नहीं है, डायमंड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। रबड़ तो अक्रिस्टलीय होता है, एमरफस होता है, रबर भी होता है, ग्लास भी होता है, डायमंड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आपको बताया है रबड़ प्लास्टिक ग्लास याद रहे अक्रिस्टलीय होता है, और बाकी तो सोच लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अभी हम लोग ये चीज समझे थे भाई कि आपको बताए थे हाँ कि एस सी सी के लिए एक होता है, बी सी सी के लिए हम लोग देखे दो होता है, और एफ सी सी के लिए चार होता है, और एच सी पी के लिए याद रहे छह होता है, एच सी पी के लिए छह होता है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये याद रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, आ जाइए, निर्देशक बिलियन के लिए कौन और संख्य गुण है भाई, कौन और संख्य गुण है? अगर हम बात करें और संख्य गुण की तो ये देखिए, ऑस्मोसिस, सरफेस टेंशन नहीं होता है, कंडक्टिविटी नहीं होता है, हाफ लाइफ भी नहीं होता, ये तीनों में कोई नहीं होता, और ये भी नहीं होगा, ऑस्मोसिस थोड़ी ना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोसिस क्या है? ये अर्धपरागम्य झिल्लियां इनसे होकर ये गुजरने वाली प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए यहां पर मिस्टेक है, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर देना चाहिए, बट नहीं है तो फिर इसी को हम कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। मतलब आपका यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, पाई होना चाहिए, है ना, ऑस्मोसिस नहीं होता है, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा गया जो इसमें ऑप्शन चारों ही गलत है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए, केमिकल कैनेटिक्स एक बार फिर से, हमेशा ध्यान रखें, ये तो हम लोग किए हुए हैं डेफिनेशन में ही, किसी भी पदार्थ से क्रिया करने का दर निर्भर करता है सांद्रता, दैट मीन्स एक्टिव मास रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर निर्भर करता है ना। अभिक्रिया किसी पदार्थ के अभिक्रिया क्रिया करने की दर जो होती है बाबू
ये एक्टिव मास पर डिपेंड करता है, एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। आ जाइए, निम्नलिखित में कौन समीकरण परसरण दाब को व्यक्त करता है? बहु परसरण दाब को पाई से सूचित करते हैं या पी से सूचित करते हैं? पाई बराबर सी आर टी। सी क्या होता है? मोलारिटी होता है। तो याद रहे मेरे दोस्त, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कही जा रही है यहां पर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर सी आर टी होता है या पी बराबर सी आर टी होता है। सी के जगह पर हम लोग एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मोलारिटी होता है। तो देख लो, पाई बराबर सी आर टी, पी बराबर सी आर टी इज करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसको क्या बोलते हैं भाई? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो पहला है अपे राउल्ट लॉ, मतलब यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, नो डाउट। यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ए बी दोनों नहीं, बिल्कुल नहीं, ए इज करेक्ट आंसर। आदर्श विलयन क्या होते हैं? विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे सभी ताप दाब पर, उसको हम लोग बोलते हैं ये आदर्श विलयन के उदाहरण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, मतलब ए इज करेक्ट आंसर। आ जाइए, अर्धपरगम्य झिल्ली से परसरण क्रिया में निकल पाते हैं। देखो भाई साहब, ये क्या लिए थे हम लोग? कंटेनर लिए थे, इसमें एसटीएम लिए थे, अर्धपरगम्य झिल्ली लिए थे। इधर सोल्यूशन था, हाई लो कंसंट्रेशन था, और इस झिल्ली से होकर केवल केवल सोलवेंट के कण ही पार करते थे, केवल सोलवेंट के कण ही पार करते थे, है ना। तो सोलवेंट के कण पार करते हैं, विलाय के अणु पार करते हैं, मतलब बी इज करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, सोलूट के नहीं। आ जाइए, बेरवादार ठोस है, मतलब एमॉर्फस सॉलिड, प्लास्टिक रबड़, प्लास्टिक रबर ग्लास, प्लास्टिक रबर ग्लास, एमॉर्फस अक्रिस्टलीय। देख लो बेरवादार कौन है, प्लास्टिक रबर ग्लास, मतलब बी इज करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, ग्लास होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये तो भाई फिर आपको पता है, एक फराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होते हैं? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम कहा है? बीज करेक्ट आंसर, 96,500 कूलम के बराबर होता है एक फराडे का मान, है ना भाई। चलो अगला, शुद्ध जल का पीएच मान ये भी बताना पड़ेगा हमको। बीज करेक्ट आंसर 7। आ जाइए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इधर भी पूछे गए हैं। सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन है, एक बार फिर से, सोडियम फ्लोराइड है यहां सही है, एक्वस सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन है, है ना। तो हमको पता है कैथोड पर चापा होगा, चापा नहीं है तो हाइड्रोजन होगा। एनोड पर मोनो एनायनिक है बट फुलरीन है, O2 होगा, मतलब O2 और H2। D इज करेक्ट आंसर। आ जाइए, ये तो क्वेश्चन वांटर फैक्टर का है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन चैप्टर का है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर BaNO2 के वोल्ट वाइज, यहां 2 होगा, घोल का वांटप गुणांक 2.274 है, 2.74 है, मतलब I का मान यहां दिया हुआ है दोस्त। वांटप फैक्टर को I से सूचित करते हैं, 2.74, है ना। तो विघटन स्तर मतलब अल्फा क्या होगा? डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमसे पूछा जा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? तो हम लोग वांटप फैक्टर का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में
फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, आई बराबर वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस एन, क्या ये आपको याद आ रहे हैं? सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं, वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस, इसको थोड़ा जूम करके और पढ़ेंगे, साफ नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया और ठीक, इसके बाद कर लेते हैं, है ना, ये होता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, n चाहिए मेरे को और i दिया हुआ है और अल्फा ज्ञात करने हैं, विघटन स्तर निकालने हैं, दैट मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने हैं। तो आप बताओ भाई कि इसका n क्या होगा? BaNO2 के होल ट्वाइस है, n क्या होगा? सर ये 1 है और ये 2 है, 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब रख दो ना वैल्यू, तो आई तो मेरे पास है सर 2.74 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा निकालने हैं, 1 माइनस n क्या होगा सर? 3 होगा। अब बताओ जरा, यहां हम सोल्यूशन कर रहे हैं शॉर्टली, इसको अगर कैलकुलेशन करें तो माइनस 2 अल्फा प्लस में हो जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस 1 को उधर भेज दो, 2.74 माइनस 1 दैट मींस इक्वल टू 1.74, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 1.74 बाय 2, और कैंसिल करते हैं सर तो मेरा क्या आएगा 0.87, दैट मींस अल्फा ये आया। अगर हाँ परसेंटेज भी दिया तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो 87% हो जाएगा। किसी है क्या कहीं 87%? हाँ, बी इज करेक्ट आंसर, 87% आएगा, 87% आएगा, है ना। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे हम। हाँ, ध्यान देंगे, करा किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? अभी हम लोग इसके पहले सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन किए अधिशोषण से, रासायनिक अधिशोषण से रिलेटेड हमने आपको बताया था, जिसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होता है ना उसका एब्जर्ब मतलब अधिशोषण अवशोषण का दर क्या होता है? ज्यादा होता है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होगा? तो ध्यान रहे NH3 का होता है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पर हमने एक टेबल बनाया था, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? NH3 हो जाएगा, NH3 इज द करेक्ट आंसर। NH3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। चमक रहा है क्या नीचे? दिख रहा है आपका? और नीचे पर, हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ चलो, अब आ जाओ ये क्वेश्चन देखो तुम। इफ dx by dt इक्वल टू के एच प्लस, एक सेकेंड, और यहाँ पर नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया ऊपर। लाइव है नो, साफ दिख रहा है ना? इतना ही पर देखा लो साफ लोग होता है। हाँ
जो भी विद्यार्थी अभी अभी जुड़े हैं ठीक है, उनसे मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबू हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए 2010 से लेकर के 2021 तक, उस सभी प्रश्न को आज हम लोग इस सेशन में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एकदम क्लीन चल रहा है भाई, चलो आज ये देखिए तो क्वेश्चन ये, हाँ ये तो मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछना चाहिए है ना। देखिए क्वेश्चन है कि इफ dx by dt इक्वल टू k h प्लस n पावर n, और पावर n है ना, पावर n है यहाँ, ध्यान रहे यहाँ पावर क्या है, n है ठीक है ना, यहाँ भी पावर n है ना। यदि dx by dt इक्वल टू k h प्लस द पावर n, और जब pH 2 से 1 करने पर अभिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि बताने हैं हमें। सर अभिक्रिया की कोटि बताने हैं, सबसे पहले यहां पर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है यहां पर, क्या दिया हुआ है भाई, रेट दिया हुआ है, इस पर ये क्लीन चल रहा है, यहां पर कुछ सॉल्यूशन करेंगे चूंकि ये लंबा जा सकता है। रेट दिया हुआ है, रेट क्या है भाई, R इक्वल टू रेट जो मेरा है dx by dt इक्वल टू k h प्लस कंसंट्रेशन पावर n, और ये n जो है आपको पता है कि ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स ऑर्डर है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बात करें कि इसके रेट की, तो जब पीएच 2 से 1 करने पर अभिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, दैट मीन्स यहां पर रेट 2 है ना, 100 गुना हो जा रहा है, दैट मीन्स इस बात को यहां पर लिख सकते हैं कि रेट 2 है जो 100 गुना हो जाता है, दैट मीन्स कंपेयर टू रेट फर्स्ट, क्वेश्चन पढ़िए, पीएच 2 से 1 करने पर अभिक्रिया का दर कितना हो जा रहा है, 100 गुना हो जा रहा है, दैट मीन्स जो रेट जो है ना, रेट वो 100 गुना हो जा रहा है, मतलब यहां पर रेट 1 रेट 2 हो जाएगा, तो जो इनिशियल है रेट 1 है, रेट 1 जो है रेट 2 से 100 गुना कम हो रहा है, मतलब रेट 2 100 गुना से बढ़ रहा है, मतलब रेट 2 सेकंड इज इक्वल टू 100 इनटू रेट 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करें यहां से पीएच मान की, तो आप देखो पीएच कह रहा है ना, पीएच 2 से 1 मतलब 2 था रेट फर्स्ट के लिए, पीएच 2 था और 1 किया जा रहा है ना, तो रेट कितना हो जा रहा है, 100 गुना हो जा रहा है, मतलब रेट सेकंड। तो यहां पर जो पीएच दिया हुआ है ना, ये 2 से पीएच कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है ठीक है ना। अब देखो इसमें हमको एच प्लस के कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी, तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या केमिकल काइनेटिक्स में ये चीज सीखे हुए हैं, एक फॉर्मूला जो पीएच का फॉर्मूला होता है वह माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन होता है, जो पीएच का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त माइनस ऑफ लॉग एच प्लस होता है। अगर हम यहां से पीएच रख दे, पीएच 2 रख दे और एंटी लॉग ले, तो 10 के पावर में जाएगा ठीक है ना, 10 के घात में नहीं जाएगा। अब माइनस में देख ले भाई, ये चीज किस में है, माइनस में है। अगर साइंटिफिकली हम बोले आपसे एक ट्रिक कॉन्सेप्ट की बात करें कि यहां पर इसके लिए एच प्लस की कंसंट्रेशन की बात करें, तो ट्रिक अप्लाई करना, अगर पीएच दिया होना
एच प्लस कंसंट्रेशन निकालना हो तो क्या करना ना, 10 के पावर माइनस 2 कर देना। तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, एच प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे तो 10 के पावर माइनस 1 जो पीएच रहेगा वहीं, बट माइनस साइन में होंगे घाती इसका, है ना। तो ये जो है ना पीएच सेकेंड जो है, ये ध्यान रहे मेरे दोस्त, ये जो सेकेंड जो है ये तो रेट सेकेंड होगा, जो पीएच 2 है, 2 से 1 हो रहा है ना, 2 से 1 हो रहा है, तो ये रेट फर्स्ट होगा, 2 से 1 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है तो 100 गुना हो रहा है, मतलब ये रेट फर्स्ट के लिए होगा पीएच एच प्लस, और ये रेट सेकेंड के लिए होगा 10 के पावर माइनस 1। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं ना यहां पर, एक चीज तुमको पता है, ध्यान देना इधर, कि यहां पर हम दोनों को मान रखते हैं, रेट फर्स्ट और रेट सेकेंड का। तो रेट फर्स्ट और रेट सेकेंड का यही इक्वेशन हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अगर इसके रेशियो की बात करें तो रेट, ध्यान देना, रेट फर्स्ट फर्स्ट ही करते हैं, अब भाई रेट सेकेंड इज इक्वल टू के एच प्लस के कंसंट्रेशन के पावर एन है। तो रेट फर्स्ट के लिए एच प्लस के कंसंट्रेशन कितना है, रेट फर्स्ट के लिए 10 के पावर माइनस 2 रखेंगे, 10 के पावर माइनस 2 के पावर एन के पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और फिर बट्टा रेट सेकेंड के लिए के, और रेट सेकेंड के लिए एच प्लस क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 1 के पावर एन। अब एक काम करते हैं, रेट फर्स्ट बाय रेट सेकेंड का वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो इसको इधर भेज के और इसको इधर कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, रेड वाला क्लियर चल रहा है ना, रेड वाला क्लियर चल रहा है। तो अगर हम यहां से रेट सेकेंड बाई रेट फर्स्ट निकाले तो क्या आएगा, 100 आएगा यहां से। तो एक काम करना, रेट सेकेंड बाई फर्स्ट करना है हमें, तब ये आ रहा है, तो इसको उलाट दे ताकि रेट सेकेंड बाई फर्स्ट आ जाए। तो चलो इसको अगर उलाटते हैं तो रेट देख लो, रेट सेकेंड बाई रेट फर्स्ट कर दो इक्वल टू, ये भी उल्टेंगे के काट दो ना, तो 10 के पावर माइनस एन बटा 10 के पावर माइनस 2 एन, ध्यान दीजिएगा, इसके बदले हम लोग रखेंगे कितना, 100, दिख रहा है क्या, इसके बदले क्या रखेंगे हम लोग, 100 रखेंगे, दिख रहा है उधर, चलो दिख रहा है, 100 रखेंगे। अब जरा फील करना, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर, अगर ऊपर जाता है तो प्लस हो जाएगा तो 10 के पावर एन होगा इक्वल टू, इसके बदले हम लोग 100 लिखेंगे, और 10 के पावर एन बराबर इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2। अब यहां से बताओ, इसलिए मेरा एन क्या आ जाएगा, जब बेस सेम है दोस्त तो एन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। देखो भाई, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछना चाहिए, और ये कॉम्पिटेटिव लेवल के प्रश्न है, और शायद ये 2018 के क्वेश्चन है, इसलिए ये 2018 वाला क्वेश्चन है, वास्तविकता वास्तव में देखा जाए तो 2018 के पेपर में दम है, दम खम रखता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड है भाई, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा भाई साहब क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर ले, हमने इसको सोल्यूशन कर रखा है, ध्यान देना यार, रेट सेकेंड बाय रेट फर्स्ट बराबर 100 है, इसी को कैलकुलेट कर दिए हैं, ठीक है ना।
एकदम सेशन को आराम से हम लोग ले चलेंगे, बिल्कुल घड़बड़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन करते समय बिल्कुल घड़बड़ाने नहीं है हमें, समय लगे नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। जो भी विद्यार्थी लेट से जुड़े हुए हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ भाई साहब कि आज हम लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक 2021 से लेकर के 2010 तक के, मतलब 10 से 21 तक के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 77 है ना, लगभग हम लोग आधे पहुंच गए हैं 50% की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो इसका आप शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, हिंदी हटाओ इंग्लिश जा। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे हम लोग। कह रहा है कि केन सुगर और इसका अणुभार दिया हुआ है 342 के एक घोल पदार्थ एक्स के 1% घोल के आइसोटोनिक है, तो पदार्थ का एक्स मतलब एक्स का अणुभार क्या होगा। सर आइसोटोनिक में एक आपको ट्रिक बताया गया था, ट्रिक ये बताया गया था फर्स्ट का परसेंटेज वाई मोलर मास मतलब फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू सेकेंड का परसेंटेज वाई मोलर मास, यही बताया गया था ट्रिक भाई। जब भी आइसोटोनिक वाला आ जाना तो यही ट्रिक अप्लाई करना है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सेकेंड सब्सटेंस का मोलर मास। तो देखो भाई क्या दिया है, जैसे फर्स्ट हम लोग ले लिए सुगर केन सुगर को, तो इसका ध्यान देना केन सुगर अणुभार दिया हुआ है ना कि एक घोल पदार्थ एक्स के 1% घोल के आइसोटोनिक है, तब एक्स का अणुभार ज्ञात करने हैं। तो ध्यान देना यहां पर आप वैल्यू रख सकते हो, फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं इंग्लिश में, देख ले देखो यहां पर छूटा हुआ है इसलिए हम रुक गए। देखिए यहां पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस हिंदी में कुछ छूट गया है, ठीक है ना, छूटा है ना भाई, चलो देखो क्या छूटा है। ए 5% सोल्यूशन ऑफ केन सुगर, यहां 5% छूट गया है, 5% होना चाहिए बट छूट गया है, खैर इंग्लिश से हम लोग कर लेंगे। ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन सुगर मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए हैं इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, ये वाला देखो क्वेश्चन हिंदी में कुछ छूटा हुआ है, खैर कोई बात नहीं हम लोग देख लेते हैं। तो हम आपको अभी लॉजिक कॉन्सेप्ट ट्रिक बताए हैं कि जब भी इस तरह के आइसोटोनिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस और उसका मोलर मास, फर्स्ट का इक्वल टू परसेंटेज बटा मोलर मास सेकेंड का, इसी के बेसिस पर हम लोग बनाते हैं इंप्लाइज। फर्स्ट के लिए भाई केन सुगर है 5% मतलब 5 बटा मोलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट 342 इज इक्वल टू परसेंटेज, अगला एक्स है जिसका परसेंटेज 1% दिया हुआ है, दैट मीन्स 1 बटा इसका मोलर मास हमें निकालना है। तो अगर यहाँ से m निकाले मेरे भाई साहब, तो अगर m निकाले यहाँ पर तो ये 342 बट्टा 5 होगा, और आपको इसको भाग देने हैं, अगर भाग देते हैं तो ये 6:30 ठीक है 8.0 समथिंग मतलब 4 के आसपास आएगा, देख लो मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है ना। तो जब भी आइसोटोनिक का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ट्रिक बताए गए हैं क्लासेज में भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, यही क्वेश्चन था हिंदी में कुछ छूटा हुआ है 5% आ जाओ है। देखो 41 नंबर, देखिए भाई साहब 41 नंबर कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द फ्री स्पेस माने इंपटी खाली इन बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। भाई साहब बीसीसी में जो
पेकिंग फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज के टर्म में बात करें तो कितना होता है, 68% होता है। बट यहां पर खाली की बात कही जा रही है तो 100 में से 68 घटाएंगे तो 32% जो होगा खाली होगा, 32% क्या होगा, खाली होगा। इसी प्रकार एफसीसी के लिए मैक्सिमम होता है, आपको पता है कितना होता है, कमेंट करके बताएंगे एफसीसी के लिए कितना होता है, एफसीसी के लिए कितना होता है आपको बताने हैं, एचसीपी के लिए कितना होता है आपको बताने हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके कि एफसीसी के लिए परसेंटेज कितना होता है और खाली स्थान कितना परसेंट होता है, ये बताना है। चलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, भाई साहब ध्यान दीजिएगा। हाँ देखो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई मेरे, 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है ना, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब ये एचसीपी में कोऑर्डिनेशन 12 होता है, अब हम आपसे कह रहे ना कि बीसीसी के लिए बताना है तुम्हें और एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है ना, ये दो आपके लिए आपको बताना है बीसीसी के क्या होता है और एफसीसी क्या होता है, कमेंट में बताएंगे आप, हम देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रिस्पेक्टिवली, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड्स माने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और अष्टफलकीय वॉइड्स मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो ध्यान देना, यहां पर आपका जो एचसीपी होता है, सीसीपी होता है, एफसीसी होता है, यही तीनों जो है ना, इनमें ऑक्टाहेड्रल तो में करता है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी पाए जाते हैं। याद रखना, बीसीसी में नहीं, एससीसी में नहीं, जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का पेयर जो पूछा जा रहा है वह केवल किसमें संभव है, एचसीपी में संभव है, सीसीपी या एफसीसी में संभव है। तो देखो इन तीनों में से कोई रहना चाहिए, उसमें ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ऐसा नहीं देखा गया है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो आप देख लो कौन होगा, पहला बीसीसी है भाई साहब, ये नहीं होगा, बीसीसी तो छटिए दो। सेकेंड में सिंपल क्यूबिक आ गया, बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड में एचसीपी सीसीपी मतलब करेक्ट, इसमें बीसीसी आ गया, नहीं होगा, है ना, हमेशा ध्यान रहे एचसीपी सीसीपी दैट मींस एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दोनों पेयर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तू बताओ, एमॉर्फस सॉलिड मतलब बेरवादार अक्रिस्टलीय, बाबू अक्रिस्टलीय, रबड़ ग्लास प्लास्टिक, तीन को तो याद रखे के बाद, रबड़ ग्लास प्लास्टिक तीन को याद रख एमॉर्फस खाते। तो देख लो कौन बा, ग्लास बा, ग्रेफाइट, ये ग्लास है, बीज करेक्ट आंसर, ग्लास सही है, बीज करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जा भाई एक बार फिर से एन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना,
अगर ट्रिक बताया है या एन देख लो टिक करो क्वेश्चन का निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वांथनांक ज्यादा है। क्वांथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट माने टीवी तो देखे के बाद कौन के ज्यादा बा तो हम बताइए कि एन जवना के बॉडी एन बॉडी मतलब ओकर डेल्टा टीएफ भी बॉडी ओकर डेल्टा टीवी भी बॉडी ओकर टीवी भी बॉडी लेकिन टीएफ का होई घटी बोलो एन देख लो तो ई बताओ एन के तर निकालेंगे सन सोडियम एगो बा ओएच एगो बा माने एन एक रखा तिर का होई दू होई कितना ट्रिक बताए हम इसमें बताओ NH4 एक है NO3 एक है N कितना होगा दो होगा यहां बताओ सोडियम दू गो बा ISO4 एगो बा तो कितना होई तीन होई NO3 देखो K एगो NO3 एगो दू गो होगा मैक्सिमम कौन है के बताओ माने बीज द करेक्ट आंसर है ना। चलिए तब हम आगे बढ़े चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं ज्यादा हो गया आ जाओ तो नहीं एक रख देख लो क्वेश्चन कह रहा है कि ये सॉल्यूशन हैज एन एस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना एटीएम एट 312 एट्स कंसंट्रेशन वुड बी मतलब एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडलीय है मतलब एटमॉस्फेयर है एटीएम है इस घोल का सांद्रण क्या होगा। ए भाई यहां पर हम लोग ये चीज पढ़े हुए हैं सॉल्यूशन में पाई बराबर सी आर टी हमसे सांद्रण पूछा जा रहा है सांद्रता क्या होगा तो आप बताओ सांद्रता सी निकालना है तो सी बराबर क्या होगा पाई बटा आर टी चलो रख देते हैं पाई का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रसरण दाब का मान जिसका प्रसरण दाब इतना केल्विन पर इतना है तो रख दो ना 0.0821 बटा आर का मान 300 सॉरी आर का मान नहीं है टेम्परेचर है आर का मान होता है 0.0821 ही होता है और टी का मान 300 केल्विन है तो ये तो कैंसिल हो गया मतलब क्या आ गया जो सी आ गया मेरा एक बटा 300 आ गई अब एक करके भाग दो तो एक बटा 300 आ गया तो इसको अगर भाग देते हैं तो इसे ही जीरो दूगो आ जाएगा तो 0.00 आ तीन तीन के नौ तीन आ तीन देखा कौन है बात होई ना ही ए बी यू ना होई सी भी नहीं होगा डी भी नहीं होगा ई होगा। अब कहिएगा ई कहां से आ गया ध्यान देना कहिएगा सॉरी ई कहां से आ गया तो ई बिहार बोर्ड ने चारों ऑप्शन में गलती दिया है ना इसलिए इसमें हम सुधार किए हैं कि आंसर जो होगा क्या होगा 0.0033 मोलर होगा कंसंट्रेशन इसका है ना। चलिए फॉर्मूला बेस था 46 तक कर लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आ जाओ लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज कौन है HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा ध्यान दो HCl H2O का जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है ना वो होता है 20.20% मतलब याद रखना 20-20% 20.20% 20-20% 20.20% में 20-20 कितना 20-20 तो देखो कौन होगा मतलब D is correct answer मतलब इसमें नहीं जीरो है that means 20-20 याद रखना HCl होता है ठीक है ना इसके azeotropic mixture में HCl कितना होता है 20-20 होता है 20-20% होता है ठीक है ना मतलब 20.20 चलो अब कर व्हेन 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द मास डिपॉजिट इज इक्वल टू देखो कर 1 फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी
बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में हम लोग फराडे के नियम पढ़े हुए हैं, और फराडे के नियम पढ़े हुए हैं, और जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है ना प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, ये फर्स्ट लॉ होता है ना। लेकिन यहां पर जरा ध्यान देंगे कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर, 1 ग्राम मोल के बराबर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर, और 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। तो यहां पर जो होगा एक फराडे मतलब एक मोल इक्विवेलेंट है ना, दैट मींस एक मोल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है ना। सी इज करेक्ट आंसर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है बराबर होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार फिर शायद रिपीट कर रहा है क्वेश्चन क्या, किसी वस्तु के प्रतिकारक करने का दर निर्भर करता है एक्टिव मास पर, एक्टिव मास क्या है, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास, एक्टिव मास, डी एक्टिव मास। ये क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग किए हैं है ना, एक्टिव मास ध्यान रहे। एक 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो, उत्प्रेरक वाला ये भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो ध्यान देना इसको बताते हैं, देखो क्या चल रहा है, तीन बार है अच्छा एक ऊपर कर देंगे ना, पहले पढ़ रहे क्वेश्चन हम कह रहा है, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, भाई उत्प्रेरक क्या है, हम लोग को पता है कि रासायनिक पदार्थ होता है जो केमिकल रिएक्शन में उपस्थित होता है बट रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ाता घटाता है उसको उत्प्रेरक कहा जाता है, बट ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या पूछा जा रहा हमसे। इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, नेक्स्ट चेंजेस द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, नेक्स्ट शॉर्टेंस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। बिल्कुल बात ये सही है, यहां पर ध्यान दीजिएगा उत्प्रेरक का काम क्या होता था, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते थे यहां पर रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते थे तो उस समय अभिक्रिया स्टार्ट होता था तो ये क्या हो रहा था इसका ग्राफ मतलब यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचता था है ना, तब ये प्रोडक्ट बनता था ठीक है ना भाई। तो अगर उत्प्रेरक पॉजिटिव उत्प्रेरक आया ना तो यहाँ पर पहुंचने के टाइम को घटा देता है, क्या कर देता है शॉर्ट कर देता है तुरंत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी इसको घटा देता है ना। तो दैट मींस ऊपर जाने में वक्त लगेगा और उत्प्रेरक आएगा तो ये ग्राफ को डाउन कर देगा नीचे कर देगा तो कम समय में प्रोडक्ट में मतलब इसको इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा कम समय में है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा सी इज करेक्ट आंसर, शॉर्टेंस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए समय बहुत कम हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, डी ऑप्शन सी होगा ठीक है ना, सी इज करेक्ट आंसर, सप्लाइज एनर्जी टू, नहीं पढ़े वहीं जहां सफलता मिले ना हो ठीक है ना, इसको भी देख लीजिए आप लोग। आज का सेशन में जो क्लास का क्वालिटी है दैट मींस एकदम क्लीन चल रहा है नो डाउट है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 51 क्वेश्चन हो गए और 20-25 क्वेश्चन होंगे। देखो भाई ये क्वेश्चन एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है,
सर 0.693 बाई के होता है, ये क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। एक्यूरेट ये वैल्यू होते हैं 0.693 बाई के, इना की 0.6 बाई के मार दीजिए, नहीं ध्यान से ऑप्शन को देखना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। बाबू फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है क्या होता है, 0.693 बाई के होता है। आ जाओ यहां, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, फैराडे के विद्युत अघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। बाबू जो संबंधित है वह किससे है, तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर से मतलब नहीं है, स्पीड ऑफ कैटायन से मतलब नहीं है, एनायन से मतलब नहीं है, इक्विवेलेंट वेट से होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट वेट से होता है। फैराडे के विद्युत अघटन नियम किससे संबंधित होता है, सर इक्विवेलेंट वेट से संबंधित होता है, द्वितीय नियम याद है क्या आपको। चलो आ जाओ यहां 54 नंबर क्वेश्चन, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, ध्यान देना दोस्त। देखिए परमाणु मास इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हमको ये बात पता है कि जो एटम होते हैं उनके नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और इन्हीं न्यूट्रॉन प्रोटॉन को के सम को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर बोला है, सॉरी एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। इसमें जो प्रोटॉन है इसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है, बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग मास नंबर कहलाता है, और इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनके सम को मास नंबर बोलते हैं, इनके सम को क्या बोला जाता है, मास नंबर बोला जाता है, ये एक अल्जेब्रिक सम होते हैं, मास नंबर बोला जाता है, बट इसमें एटॉमिक मास बोल रहा है। इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए मास नंबर होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास होना चाहिए, है ना, एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंट है, ये मास होता है और एटॉमिक नंबर जो है अल्जेब्रिक सम होता है। बट हम अवसर के हिसाब से चले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम गलत है, सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं सर, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के युगफल नहीं, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये तो सही है ऑप्शन, यहां आ जाइए नॉन ऑफ दिस नहीं, अगर इसमें नॉन ऑफ दिस है तो इसको हम बोल सकते हैं, बट यहां पर जो एटॉमिक मास है, अब इतना भी हम लोग डीपली नहीं चलेंगे, है ना, एटॉमिक मास है, यहां पर मास नंबर होना चाहिए, दैट मींस हम लोग कहेंगे कि चलो भाई यही होगा, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बट एटॉमिक मास और मास नंबर में दोनों में डिफरेंट होता है ना। चलो ये चीज हम लोग क्लास में पढ़े भी हुए हैं 11th में। ये तो क्वेश्चन भाई तू बनाएगा, वेन क्विक लाइम इज इम्पर्स्ड इन वाटर द रिएक्शन इज, बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। भाई ये 9th की बात है, ठीक है ना, जब बिना बुझा हुआ चूना को पानी में डाला जाता है, क्या एनर्जी को लेता है कि एनर्जी छोड़ता है कि विस्फोटक होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, कि ये अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होता है कि इससे, मतलब पानी में इसको डाला जाता है तो क्या इससे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऊष्मा निकलता है क्या, एंडोथर्मिक होता है, ऊष्मा को लेता है, अवशोषित करता है क्या, क्या ये विस्फोटक होते हैं क्या,
आपको कमेंट करके बताने हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 55 नंबर याद रहे, ठीक है ना। चलो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के तौर पर भी करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, ये चीज तो हम लोग रटते आ रहे हैं, इसमें कौन से थ्योरी लगा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने हैं क्या। देखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मतलब कौन इसमें अच्छा चालक है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, एंथ्रासाइट कोक नहीं, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल। बाबू कौन होता है ग्रेफाइट, ये उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छा चालक होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सी इज करेक्ट आंसर, 56 हो गया। देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपलोड परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम, मतलब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन के सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, माने कार्बन के जो अपरूप दिए गए हैं किसमें कार्बन की परसेंटेज अमाउंट ज्यादा है, वुड चारकोल, कोकोनट चारकोल, ग्रेफाइट और नॉन ऑफ दिस। भाई तो ये ध्यान रहे भाई, सबसे ज्यादा कार्बन के अपरूप में मैक्सिमम कार्बन की मात्रा जो होती है ग्रेफाइट में होती है, ध्यान रहे ग्रेफाइट में, मतलब 90 से 95% कार्बन होता है ग्रेफाइट में, कार्बन 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 ग्रेफाइट में 90 से 95% क्या होते हैं कार्बन होते हैं, मतलब मैक्सिमम इसमें होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम होता है, ध्यान रहे ग्रेफाइट होगा आंसर इसका, है ना, 90 से 95% होते हैं, ठीक है। ये ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है, अपरूप को ध्यान में रखना है। काफी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ये क्वेश्चन भी शायद हम होमवर्क दे देते आपको तो बेस्ट रहता, कि इफ 96,500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट, मतलब 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। इफ 96,500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट, मतलब कॉपर कितना लिबरेट करेगा, आपको ये तो कैलकुलेशन कर लेने चाहिए। देखो हिंट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, 96,500 कूलम जो है इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है, विद्युत है ना, मतलब यहां पर करंट दिया हुआ है आई, है ना, 96,500 कूलम, और आपको जेड निकालने आता है और हमको लिबरेशन ऑफ कॉपर निकालने हैं, तो CuSO4 जो है Cu+2 में जाएगा और SO4 2- में जाएगा, और ये आप कैथोड पर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो आप W बराबर जानते हैं, W बराबर ZiT, ठीक है ना, Q है ना, यहां पर Q है, ठीक है। तो यहां पर 96,500 कूलम्ब का मतलब क्या हुआ, 96,500 कूलम्ब का मतलब हुआ 1 फराडे, कितना फराडे, 1 फराडे है ना, और 1 फराडे है, और इसका जो होता है 63.5 होता है, ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। कॉपर का जो वेट होता है कितना होता है, कॉपर का जो फॉर्मूला वेट होता है 63.5 होता है, और ये ध्यान रहे शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट हम बनाए तो यहां पर क्या होगा कि कॉपर 2+ जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट मीन 2 फराडे है ना, 2 फराडे यहां पर कितना फराडे हो जाएगा, 2 फराडे हो जाएगा, और 2 से इसमें भाग दे देंगे 63.5 में 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका 31 समथिंग आ जाएगा, 31 समथिंग, देख लो कौन होगा, मतलब 31.76 ग्राम कॉपर मुक्त होगा, ठीक है ना, ध्यान रहे शॉर्टकट भी बना ले यहां पर, ठीक है ना, आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो।
अब काफी ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर लिए, 59 तक पहुंच गए हैं, और भी इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। बंद कर दिया इन केमिकल इक्वेशन, इतना 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 था इक्विलिब्रियम। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हम सुधार करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी दिख रहा है। रासायनिक अभिक्रिया यहां H2 प्लस I2 गिव्स 2HI का साम्य स्थिरांक KP है, KP निर्भर करता है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया ये दिया हुआ है का साम्य स्थिरांक जो है KP किस पर निर्भर करता है, टोटल प्रेशर पर नहीं, उत्प्रेरक पर भी नहीं, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन नहीं, टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर, डी इज करेक्ट आंसर। ये केपी जो है ना टेम्परेचर पर निर्भर करता है, साम्य जो स्थिरांक है अभिक्रिया का केपी जो है याद रहे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, निर्भर करता है। चलिए वही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखो तो किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया गया है, के बराबर इतना, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो 2 × 1 = 3, ठीक है ना। ये रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, अब फटाफट होगा। देखो ये क्वेश्चन किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, बिलियन की मोलरता क्या होगा, मोलारिटी का फॉर्मूला तुमको पता है, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पर सॉल्यूट NaOH है, ठीक है ना, 2 ग्राम है तो 2/NaOH 23 होता है इसका, तो फॉर्मूला वेट इसका निकालेंगे तो 23 × 1 = 24 × 16 = 40 हो जाएगा, मतलब 40 नंबर ऑफ मोल हो गया बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा बिलियन, किसी बिलियन के 200 में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml है, तो 1000 से भाग दो ताकि ये लीटर में चेंज हो जाए, तो क्या हो जाएगा 2/40 × 1000/200 है ना, 3 0 गया, 2 से 2 गया, मतलब 1/4 माने 0.25 मोल पर लीटर, 0.25 आए, 1/4 माने 0.25 है ना, तो देखो 0.25 मतलब ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 61 तक हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP, अरे NTP हो STP हो, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है आपको याद होना चाहिए 22.4 लीटर होता है, NTP पर STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है, लेकिन न्यू कन्वेंशन ऑफ IUPAC न्यू कन्वेंशन ऑफ IUPAC का अनुसार बाबू ये STP पर 22.7 लीटर बोला जा रहा है, ध्यान रहे, बट हम लोग तो यही एक्सेप्ट करेंगे, अगर न्यू कन्वेंशन लगा दे IUPAC ये चीज चर्चा कर दे तो 22.7 लीटर होगा, बट ये बोर्ड इतना नहीं करेगा, नहीं करवाएगा तुमसे, तो याद है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर दैट मीन्स बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, एवोगाड्रो नंबर, एक एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है बाबू 6.022 या 23×10³ पार्ट के, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर। सॉलिड स्टेट में भी पढ़े हुए क्लास 12 की बात करें तो ये चीज तो 11 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 64 देखो भाई बता दे, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय प्लास्टिक रबड़ ग्लास,
देख लो कौन होगा। ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमान में अनुमान फिर एक बार एन वाला आ रहा है। फॉर एन लिखित में किसका हिमांक अनुमान अधिकतम होगा, है ना बाबू? हम आपको बताएं कि जिसका एन ज्यादा होगा ना, अगर एन ज्यादा होता है, एन बढ़ेगा तो समझना डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, डेल्टा टी भी बढ़ेगा और टी भी बढ़ेगा। तो यहाँ इसका चार चावल रहता है, ये बढ़ेगा तो देख लो एन किसका ज्यादा होगा, दो एसओ फोर ए तो तीन एकर एन हुई, एकर ऑर्गेनिक है तो एक, एकर दो हुई एकर ऑर्गेनिक है तो एक, कमरा के ढेर बार एज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो आप क्लास ज्वाइन करेंगे ना तो उसमें एकदम ट्रिक का बौछार है भाई, फिजिकल हो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो सभी में आप धमाल मचा सकते हो। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तब बैठ लो। आ जाइए, ये भी न्यूमेरिकल किसी बिलियन के 200 ml 2 ग्राम, फिर ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं अभी पीछे बनाए हैं, 0.25 आया था सॉल्यूशन किया गया है क्वेश्चन 67 नंबर आ जाइए। ये भी क्वेश्चन किए हुए हम लोग, क्या है कह रहे कि द्रवित वही पिघली व्यवस्था फ्यूज NaCl क्लोराइड के विद्युत अपघटन से केंद्रक पर क्या प्राप्त होगा, NaCl लेकिन ये द्रवित है मतलब फ्यूज है तो आपको पता है कैथोड और एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर धातु ही मिलेंगे सोडियम और यहाँ फुलरीन। तो यहाँ पर हमसे पूछा कहाँ जा रहा है भाई, कैथोड पर, तो देख लो सोडियम कौन होगा कैथोड पर, बीच पर एक टेंशन, अगर एक्वस रहता तो यह H2 होता और यहाँ Cl2 होता, एक्वस रहता तो चप्पा चप्पा। देखो ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं अभी किए हैं तुरंत, 96.5 कूलम विद्युत CH4 के विलयन से मुक्त करता है 63.5 31.76 ये आया था, दो फ्राइडे आया था, दो से भाग दिए थे इसमें इसके वेट में कॉपर के, तो क्या आया था 31.76। आ जाइए ये क्वेश्चन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया गया है, तो 2 A 3 B, कई बार रिपीट किया ये क्वेश्चन। आ जाइए ये भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि केन शुगर आइसोटोनिक है 1% ऑफ घोल x के 5% वाला, तो परसेंटेज माने 5/342 बराबर 1/x निकाले थे तो 68.4 आया था 71 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलाइड, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, इधर तो फटाफट बनेंगे, दूध नहीं इमल्सन होता है, ब्लड नहीं फॉग नहीं गम होगा गोंद, ठीक है ना, गोंद जो होता है लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड होते हैं गोंद। देखो इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रता मोलालिटी, तोतला भाई मोलालिटी बताने हमें 234.2 ग्राम चीनी के घोल है, ठीक है ना, चीनी के घोल है में इतना ग्राम चीनी है, घोल का मोलर बताओ, तो यहां पर जो दिया है ना वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 234.2 ग्राम और सॉल्यूट दिया हुआ है 34.2 ग्राम, तो चीनी घोल है ना, ठीक है ना, तो घोल का मोलालिटी बताना है, मोलल सांद्रता माने स्मॉल m बराबर 1। अब देखो ना यहां पर जो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी में,
तो यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर यहां से निकाले हम तो सॉल्यूशन में से घटाते हैं ना, तो 234.2 माइनस 34.2 घटाओ तो कितना रहा भाई, 234.2 माइनस 34.2, ठीक है ना, ये घटा लीजिएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यहां पर क्या है, चीनी ना है, तो चीनी, तो चीनी अगर सॉल्यूट है तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाले, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर हम निकाले यहां तो इसका गिवन मास कितना है 34.2, और चीनी का जो वेट होता है आपको याद है 342 होता है, कट जाएगा तो 0.1 आएगा, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो आप बताओ मोलालिटी निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.1 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट रख देगा, कितना आया 34.2 घटाए हैं तो 200 आएगा लगभग, है ना, इंटू केजी चाहिए ना, तो 1000 से भाग भी देना पड़ेगा, मतलब इधर 1000 से गुणा कर देंगे, मतलब 20 गया 10 माने कि 5 आ जाएगा, 10 गुणे 0.1 मतलब 1/2 मतलब 0.5 0.5 देखो तो ए बी सी नहीं बी बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 72 तक हो गया, लो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2+Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है 2HCl, तो सनलाइट हीट उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होती है, उदाहरण में आपको बताया गया, मतलब डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो और 4 क्वेश्चन बच गए हैं, इसमें 74 है, ये देख लो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है बट आन है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन आर, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव ये दिए गए हैं, ठीक है ना, तो हमसे पूछा जा रहा है द ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल बताना है, तो ये बताओ विद्युत वाहक बल बताना है, पहले अच्छा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, दिख रहे हो, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ये इतना है, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक है, दोनों का दिया हुआ है, और सेल का ईएमएफ पूछा जा रहा है, तो सेल का ईएमएफ पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हो, एक काम करो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, हाइगर माइनस लोअर, ई सेल निकालना है ना, समझो लॉजिक साइंटिफिक है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल हाइयर माइनस ई नॉट लोअर, है ना, तो ई नॉट ई सेल बराबर विद्युत वाहक बल बराबर ई नॉट हाइयर कितना है 0.41 माइनस, ठीक है ना, लोअर कितना है 0.76, अगर इसको हम जोड़ते हैं ये माइनस में है, ठीक है ना, देखो यहां तो 0.41 प्लस 0.76 जोड़ तो कितना 0.17 आएगा, 1.17 प्लस में आएगा, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, डी इज करेक्ट आंसर। इस तरह क्वेश्चन जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोअर हाइयर, तो हमेशा हाइयर माइनस लोअर करने हैं, विद्युत वाहक बल याद करने के लिए क्या कर देना, हाइयर माइनस लोअर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, अगर उल्टा कर दोगे तो ये आंसर आ सकता है निगेटिव में, निगेटिव में आएगा नहीं ये, है ना, तो हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए, इसका शॉर्ट इसमें ले लीजिए फटाफट। कर लिए आप लोग, बस अब हम लोग क्वेश्चन बैंक के फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को बस कवर करने ही वाले हैं, कुछ ही प्रश्न बच गए हैं इसमें, आ जाइए 75 नंबर क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीटेड,
निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी है ना। लास्ट क्वेश्चन, फराडे विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम कौन संबंधित है? द्वितीय नियम किससे संबंधित है भाई? धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, ऋणायन के संख्या? नहीं, यहाँ पर बी होगा। ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी हम लोग किए हैं, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित होता है द्वितीय नियम, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग 76 तक कर लिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, ध्यान रहे। फराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम संबंधित जो है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से है। एक लास्ट क्वेश्चन है 77 जो कि आप बनाएंगे, है ना। देखो, निम्नलिखित में कौन ऑडिशन के गुणधर्म नहीं है भाई? ये हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ तो है, ऑप्टिकल एक्टिविटी रिलेटिव इन वेपर प्रेशर आरएलवीपी है, एलिवेशन इन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीपीपी है। मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट कौन नहीं होता ये पूछा जा रहा हमसे। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्टिकली एक्टिविटी, बी इज करेक्ट आंसर। तो 77 तक ये प्रश्न थे जो फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन में, के हर एक क्वेश्चन का हम लोग कवर कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। और तो ये कंप्लीशन हुआ, कंप्लीट हुआ फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 से लेकर के 2021 तक, सभी प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, कर लिए अच्छा से। देखें हम लोग, थोड़ा सा सेशन में समय लगा, बिल्कुल लगा, बट हम लोग चीज़ें आसान कर लिए, क्वेश्चन बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन की रिपीटेशन है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी रिपीट हो। तो हमने मॉडल सेट के बाद क्वेश्चन बैंक के फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को कवर किए हैं, लगभग 2021 से लेकर के मतलब 10 से 21 तक के क्वेश्चन में, फिजिकल में 77 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। हम लोग का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट। एकदम क्लीन आ रहा है ना, हो कोई कुछ उड़ल है अभी। गुड नाइट करेगा सब।